प्रीत को मैं काफी देर से स्टॉक कर रही हूँ, प्रीत को स्टॉक करना मेरा बनता है, बट लेडीज को भी मैंने स्टॉक किया है। I love you, Vandita, I love you. I love you too. ये सुनना था मुझे, मेरा इंटरव्यू खत्म। Hi ladies and gentlemen, this is your cool kanya RJ Vandita, and coolness आज ना सिर्फ यहाँ पर नहीं है, उस तरफ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इतनी कूलनेस हो रखी है। सो एक तो चेयर अप बनता है पूरी टीम के लिए। I have with me middle class love की पूरी टीम, पूरी टीम। I start with Preet. Preet, very warm welcome to you. It's Pradeep, now it's Preet. It was Pradeep, now it's Preet. I have with me the captain of the sail, the director herself. Ma'am, bahut bahut swagat hai. Thank you. Then I have with me the two beautiful ladies. Kahan se shuru karu main ye soch rahi hu? Television se ya South industry se? I think you mean two of us. Two of us. Third one. Nahi hai, main nahi aa rahi hai tu. Actually, we have with me Kavya Thapa and Isha Singh. पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत 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 congratulations है, क्योंकि ट्रेलर की बात करूँ, गानों की बात करूँ, सब चीजें इतना बिंदास काम कर रही है ना, मैं तो फैन हो चुकी हूँ। एंड इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ कि जितने 90s के बच्चे होंगे ना मेरी तरह, वो ऑलरेडी नॉस्टैल्जिया फील कर रहे होंगे, कुछ कुछ होता है क्या कुछ। Very good. बट कुछ कुछ होता है आजकल के relevant time के साथ, सारी चीजें बिल्कुल वैसे। बट मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ पहले तो कि ये middle class love वाला idea कैसे आया आपको? Top class में मनाने जा रहे थे, फिर हम जैसे actors आगे cast में हैं, उनको देख के बिल्कुल middle class है ये लौंडे और लड़कियाँ। जो main character है, जो ये play कर रहा है प्रीत, उसका नाम यूडी है फिल्म में, he is what I was as a youngster. So I have transposed my thought process onto this character, because we all go through this phase जहाँ एक point पे हमको लगता है हम गलत माँ बाप के यहाँ पैदा हुए, हमको बेटर जगह होना चाहिए था, ये हम सब फील करते हैं एक पॉइंट पे। सो दैट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ द कैरेक्टर एंड हिज जर्नी टू रियलाइज कि नहीं, जहाँ है हम सही है। तो आपके इस मिडिल क्लास लव के कॉलेज में हु वाज द मोस्ट शरारती बच्चा? आई थिंक यहाँ पे जेंडर थोड़ा सा ना इनइक्वालिटी है, तो प्रीत आप पे सारी चीजें आ रही है, आई थिंक ये कारण हो सकता है। तीनों है। मैं बहुत अच्छा बच्चा था, ये एक्चुअली सबसे शरारती है, सबसे शरीफ है ये। एक आपको क्वेश्चन गलत है, आप पूछो सबसे शरीफ कौन था, बाकी सब बराबर है, शरीफ है। ओके ग्रेट। सो प्रीत, मैं आपसे शुरू करूंगी कि आपकी वो एड जो हम सबको याद है, दैट स्वैग वाली एड जिसमें आपने टी शर्ट बहुत इज्जत से उतारी थी, वहां से एक मूवी करना प्रॉपरली जहां पर आपका पोस्टर पे पिक्चर है एंड लाइमलाइट आप पर है, तो कैसा फील होता है? बहुत बहुत अच्छा लगता है, इट फील्स मैजिकल कि एक ऐसा लड़का, मैं राजकोट से बिलोंग करता हूँ गुजरात से, फिर मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, तो और मैं गुजराती मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं अपने आप को जब देखता हूँ कि यार एक पोस्टर पे मैं आ गया यार, तो कई बार हम कहानियाँ पढ़ते थे ना बड़े बड़े एक्टर्स की, चाहे वो राजकुमार राव हो या आयुष्मान खुराना हो, कार्तिक आर्यन है या शाहरुख खान है, तो इंस्पायर होते थे और सोचते यार कभी किसी दिन ये मौका हमें मिले, तो वर्क वेरी हार्ड ऑब्वियसली, बट समटाइम्स दैट लक प्लेज अ रोल। इनफैक्ट वो एड जिसकी बात आप कर रहे हो, वो एड भी जो डायरेक्टर है रत्ना सिन्हा जी, उन्होंने देखी और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं यार इस लड़के में कुछ बात है, लेट्स गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी। तो रत्ना मैम, वो शर्ट उतारना वाज मैजिकल और समथिंग एल्स वाज दैट? ओए भगवान, अरे इसे उतार रहा था वहां पे, बट हाउ दैट एड हेल्प मी वाज कि जब आप इसको मिलो ना तो ये सीधा लगता है, सनी, बट व्हेन यू सी दैट एड यू कैन सी टेढ़ा भी है, सो दिस कैरेक्टर इज अ मिक्स ऑफ सीधा एंड टेढ़ा, सो दैट एड हेल्प मी टू सी दैट देयर इज अ बच्चे हैं वो कुछ कुछ होता है वाले उसमें मूवमेंट पे आ जाएंगे कि यार ये लव ट्रायंगल है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, एंड वेरी रिलेवेंट चीजें। The love story, because it's a coming of age story of all three of us. All three, okay. And individually भी love story के अलावा भी बहुत ऐसी चीजें कि जैसे friendship हो गया, family drama हो गया, and comedy हो गई, तो ये सारे genres को हमने capture करने की कोशिश किया, समझे? So which you will see eventually in the film.
यस मैं उसी पे आ रही थी कि ट्रेलर के साथ साथ सॉन्ग्स में मेरे को लग रहा है कि सारी प्लेलिस्ट है आपके पास. हार्ट ब्रेक सॉन्ग है, लव सॉन्ग है, एक हमारे पास प्रॉपर डांस नंबर है. सो कंग्रेचुलेशंस टू यू. मतलब ऑलरेडी आधी जो जर्नी है वो हम जीत चुके हैं. अभी दो और आ रहे हैं. अभी दो और आ रहे हैं. ग्रेट. एंड डेफिनेटली म्यूजिक, हैविंग हिमेश रेशमिया एज द म्यूजिक डायरेक्टर हैज बीन अ बिग विन. बिकॉज हम सारे न्यू कमर्स है, ठीक है. हमने हमारी पहली पहली फिल्म है, हमारी करियर की बहुत शुरुआत में हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है. जुमिन नौटियाल जैसा सिंगर, पलक मुच्छल, सो ऑल दीज आर यू नो रियली बिग स्टार्स इन देयर ओन राइट इन म्यूजिक इंडस्ट्री. एंड वो अगर हमारी फिल्म से जुड़ जाते हैं तो एक बहुत अच्छा पुश मिल जाता है. एंड आई थिंक हम हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि हिमेश रेशमिया की आवाज़ में मैं लिपसिंग कर पाऊंगा. तो दैट वॉज अ बिग हाई फॉर मी. So, काव्य आप पे आऊँ अगर तो साउथ इंडियन मूवीज आप ऑलरेडी कर चुकी हैं, वहाँ पे ऑलरेडी फेम कमा चुकी हैं, बट कमिंग टू बॉलीवुड एक डिफरेंस आपको फील हुआ या फिर ऐसे लगा कि नहीं यार सेम है यार, सेम वो काम करना है, सेम चीजें हैं? या नो दैट आई मीन इट इज द सेम इंडस्ट्री बट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि बहुत ही अलग है. पहली बात तो लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज मदर टंग बोलना बहुत ही अच्छा लगा मुझे सबसे पहली बात. आई डिडंट हैव टू लाइक by heart my dialogues and stuff, which was very nice. But main I think language barrier nahi tha. I could even more easily express my emotions and everything with the right pauses and everything. So wo tha because hum Mumbai se main belong karti hu, to main hamesha hi Hindi movies and Bollywood and Kareena and Shah Rukh and Karishma and all of ye jab aap बड़े होते हैं उन चीजों पे तो यू ऑब्वियसली वांट टू बी अ बॉलीवुड स्टार. तो वो एक तरीके से मेरा सपना यहाँ पर पूरा हुआ जो कि मैंने यू गॉट अ वंडरफुल डायरेक्टर. शी इज माय फर्स्ट एवर फीमेल डायरेक्टर 100% एंड आई हैव नेवर कनेक्टेड सो मच टू अ डायरेक्टर. लाइक शी इज फैमिली फॉर मी एंड शी इज बीन सच अ स्ट्रॉन्ग गाइडिंग फोर्स इन माय लाइफ, माय मेंटर, my teacher, my mom on set. So 100% ये differences तो हैं. So Isha, आप already television star हैं, लेकिन Bollywood में आना और जब लोगों का एक ना responsibility ज़्यादा रहती है कि आपने already काम किया है, तो people love you. लेकिन उसके बाद भी जैसे Bollywood में आ रहे हो, तो वो एक अंदर से वो क्या curiosity थी, क्या excitement थी, nervousness, क्या क्या सारी चीजें थी? वो थी है और मुझे लगता है रहेगी और वो रही भी चाहिए. वो जो बटरफ्लाइज होती है, वो नर्वसनेस होती है, वो एंजाइटी होती है, इट्स एक्चुअली वेरी नाइस. तो जब मुझे जब ये प्रोजेक्ट मिला तब भी वही था और अभी भी वही है. जब शूट करी थी तब भी वही है, बट इट्स एक्चुअली वेरी नाइस. इट फील्स नाइस, कांस्टेंट हो तुम, इट मेक्स यू फील अलाइव. अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा या यू आर नॉट फीलिंग एनीथिंग, दैट मीन्स यू नो यू आर नॉट इन द मोमेंट. व्हेन यू आर इन द मोमेंट यू फील एवरीथिंग. तो भले वो टेलीविजन हो, मूवी हो, दिस इज माई फर्स्ट फिल्म, सो क्या चल रहा है, क्या इमोशंस है, आई रियली कैन नॉट पुट इट इनटू राइट वर्ड्स. टू मेनी इमोशंस, यू नो, इतना सब कुछ है एक साथ दैट वो समझाना मुश्किल है उसको. सर रत्ना मैम, आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, वॉज इट अनुभव सर कि उन्होंने कहा कि चलो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, या आपने उन्हें ड्रैग किया कि नहीं मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ तो आप प्रोड्यूस करो जल्दी जल्दी? तो ये कहानी एक्चुअली इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से लिखी. बिकॉज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे बहुत डिस्कस किया था. आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द क्रू आल्सो टू बी ऑन सेट. ओके. तो शी डिड ओनली रीच आउट टू अनुभव सिन्हा, शी सेंट इट टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोड्यूसर्स एंड एवरी कॉन्टैक्ट दैट शी हैड, एंड द वन दैट हैड बिलीव इन द स्टोरी एंड द स्क्रिप्ट, दैट्स द वन शी वेंटेड. इट वॉज नॉट लाइक कि चलो ये जान पहचान के हमारे घर के तो हम इससे इनसे बनवाते, नॉट बिकॉज ऑफ दैट. And I personally believe that Anubhav Sinha is not a producer who will make a film because it's ki chalo ghar ki baatein banate. He is somebody who's very very sincere when it comes to business because he's taken so much time to build his own company that he will not you know compromise on any in any way with regards to any kind of script or film that comes out as his production. So also Sinha, there is Zee Studio who's also one of the producers. So the previous film Shaadi Mein Zarurana, I don't know how to take it. So that film has done extremely well for the studio as a producer on digital and satellite. It's done very well.
So they also put their faith in me as a director, as a storyteller. So there are two producers here, there's Anubhav and there is Zee. So both of them actually believed in this because it, trust me, it is impossible to set up a film with newcomers. I'm not because it, yeah, it's a task. But to get through that big stumbling block, there was Anubhav and Zee Studio because they both believed in me. So yeah, that's how the film came about. You hear me? And it was 100% worth it. Yeah. And शादी में जरूर आना, अगर आपने बात अब छेड़ दी है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि फर्स्ट फिल्म आपकी हिट कर जाती है लेकिन उसके बाद जब आपको सेकंड मूवी पे शिफ्ट करना है, एक वो ट्रांजिशन रहता है एंड अगेन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो वॉज इट इजी कि सेकंड मूवी है क्या करूँ, नर्वसनेस है या क्या क्या चीजें रहती है उसमें? इट्स अ प्रोसेस, आप लिखते हो फिर आप कास्टिंग, तब तक आप एक्चुअली हो सो मच इन द फिल्म कि आई थिंक नर्वसनेस हट जाती है. बट मेरे लिए सबसे ज्यादा मतलब एवरीबडी had screenings of the movie. Everybody would come out, very nice film, but you should have taken stars. So I said, if you like the film, it's because you like these three people, no. But वो अपने दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है ना कि star होगा तो film बेहतर होगी. But नए लोग आएंगे तभी नए star बनेंगे ना. So that's a, it's a loop. मतलब अगर आप नहीं लेके आओ कोई उन्हीं लोगों के साथ काम कर ले तो नए लोग आएंगे कैसे ना. हमको we need to get infused new actors. We do. सो प्रीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका इंस्टाग्राम में स्टॉक कर रही थी एंड वहां मैंने देखा कि आपने हर म्यूजिक, जब भी म्यूजिक एल्बम निकली है आपने उस पर रखा है कि दिस इज माय फर्स्ट लव सॉन्ग, दिस इज माय फर्स्ट ब्रेकअप सॉन्ग, तो कौन सा आपके सभी सॉन्ग्स में से मतलब फेवरेट था कि नहीं यार ये करने में मजा आया? यार टुक टुक, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे डांस करना बहुत पसंद है और फिल्मी डांस करना और ऐसे यू नो लड़की के पीछे पीछे भागना और उसको इम्प्रेस करना या उसके साथ फ्लर्ट करना एक गाने के थ्रू, वो मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है. ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी मिली एंड सामने मिली भी मुझे ईशा और काव्या जैसी हीरोइन सॉलिड, तो अब मतलब मुझे ज्यादा मेथड एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है. सॉलिड यार, इज लाइक जस्ट सो प्रीटी, वो अंदर से ही मतलब एक्टिंग निकल के आती है. एंड उसके बाद मेहमूद डिसूजा वाज द कोरियोग्राफर ऑफ अ सॉन्ग, वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर्स वी हैव इन द इंडस्ट्री. एंड तो मतलब सोने पे सुहागा प्लस टीमेश रेशमिया की आवाज पे लिप सिंक, आई वाज लाइक दिस इज इट. ओके, सो सेट्स में डेफिनेटली इतनी प्यारी टीम है तो बहुत सारी चीजें हुई होंगी, बहुत सारी मस्ती हुई होगी, झगड़े भी हुए होंगे, तो पहले तो झगड़े से स्टार्ट करते हैं. किस किस के बीच में कितनी अनबनी? मैं पहले आपसे झगड़ूंगी, आपने सिर्फ प्रीत की प्रोफाइल स्टॉक की. मुझे पता था कि सवाल उठेगा, तो भाई मैंने सोच रखा था कि इसका आंसर यही होगा, यार प्रीत को मैं काफी देर से स्टॉक कर रही हूँ, प्रीत को स्टॉक करना मेरा बनता है, बट लेडीज को भी मैंने स्टॉक किया. आई लव यू वंदिता, आई लव यू टू, यही सुनना था मुझे, मेरा इंटरव्यू खत्म. आपको हर दिन कुछ ना कुछ डालते रहना, बिकॉज हम सब पे बहुत प्रेशर है इस समय कि कुछ नहीं डालोगे तो दिखोगे नहीं, तो कितना प्रेशर है? खुद से डालते हो कि लगता है नहीं लेकिन देयर इज समवन की जो बोल रहा है, पुश कर रहा है बार बार की डालो डालो डालो? मुझे लगता है मैं तो अभी एक्टिव होना शुरू हुआ है मैंने सोशल मीडिया पे मूवी के लिए, बट विच इज वेरी गुड. प्रेशर नहीं फील होता. हाँ, क्योंकि तेरे मतलब मिलियंस में फॉलोअर्स है. हाँ, इसको क्या प्रेशर, इसके ऑलमोस्ट मिलियन, इसके भी ऑलमोस्ट मिलियन फॉलोअर्स, ये तो ऐसे एक स्टोरी डालते ना तो मतलब उसकी पूरी पिक्चर बना देते पूरे फैन क्लब. लड़की का चक्कर है बाबू भैया. आई हैव सम नेम्स, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि सेट्स पे वो कौन कौन था. सबसे शरारती ऑन द सेट्स? हाँ, वैसे तो तीनों थे बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई विल गिव इट टू काव्या. सबसे चुलिस्टिक? हाँ, मतलब मैं लेकिन क्यूरियोसिटी होती मुझे भी है पर दिखती इसकी. सबसे ज्यादा डांटा किसने सेट्स पे? डाटा हमको मैम इसको पर डाटा मैंने को डांटने को. हां ये मैम, मैंने उससे कभी नहीं लगा मैम, पहले डाटा तो बाद में छोड़ी. तो सबसे लेजी कौन था सेट पे जैसे बहुत जल्दी नींद आ जाती थी? लेजी तो मैम ही थी लेजी. ऐसा नहीं है. ओके, सो आखिरी सवाल, मिडिल क्लासियोसिस जो बीमारी है मूवी में जिसके बारे में जिक्र हुआ है, उससे कौन सफर कर रहा था? नहीं देखो, न्यू कमर की फिल्म होती ना तो हम मिडिल क्लासियोसिस तो होती बीमारी न्यू कमर्स को,
करूंगी। मैंने अपनी गॉगल्स मंगवा ली है, आप लोग भी अपनी गॉगल्स पहन लीजिए। तो पहले अपने हाथों से हमको ना राइट लेफ्ट करना है, फोर काउंट्स, देन ऐसे रोटेट करना है हाथ, ठीक है, ऑन द हुक्स, जो अपना हुक है गाने का। चलो स्टार्ट, 5, 6, 7, go. मुझे अगर प्रीत से ऐसे लाइफ टाइम ये सीखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बस आपको एक रील बनानी पड़ेगी, फॉलो करो, रेडी है, रोज स्टोरी डालना। मुंबई आ जाओ, हम मुंबई में करेंगे। नहीं, आप लोग जम्मू कश्मीर आ जाओ यार, यहाँ पर भी हम शूटिंग कर सकते हैं अच्छे से। अच्छे कश्मीर में तो आके हमने चिट्टिया जा भी शूट किया था, मैंने बताया। यस, चिट्टिया जा सोनी ने मेरे टुक टुक बजा दिया। अभी आई वांट टू टेल यू कि आपका हेयर स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा था, लाइक शॉर्ट हेयर। और जाते जाते एक बार आप बता जाएं कि सिनेमाज में कब आ रही है मूवी? 16 सितंबर को आइए हमारे साथ, टुक टुक जी हमारे साथ मस्ती कीजिए, हंसिए, रोइए, गाइए, एंड इन थिएटर्स, एंड यू हैव टू वॉच एंड कॉल अस। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जितने भी लोग अभी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, सबको 16 सितंबर को सिनेमास में जाना है, मूवी देखनी है और रिव्यूज हमें भेजने हैं। थैंक यू, गुड फिल्म, प्लीज वॉच, प्लीज डू वॉच। ओके ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।